ए, आगे जाने का इनविटेशन दूं क्या? चल आगे बढ़, चल। हाँ बोलिए। एक लास्ट स्टॉप। हाँ काका, किधर जाने का है? मानिक नगर देना। हाँ ए, जो आगे से चढ़ा है यहाँ आकर टिकट लेकर जाओ, मैं पीछे नहीं आने वाला। 7 रुपए का टिकट है, मैंने आपको 10 रुपए दिए, 3 रुपए कहाँ है? इतना हिसाब करना है तो घर से पूरा छुट्टा लेकर क्यों नहीं चलते? हम क्या इतना छुट्टा साथ में लेकर घूमते हैं? छुट्टा आएगा तो दे दूंगा। ये छुट्टा की बहुत मगजमारी है। और कोई बाकी है क्या? मैं वहां नहीं आने वाला, पैसा पास करो। मेरे भी तो 3 रुपए बाकी है इस कंडक्टर से लेने के। ए, तू क्या कब से घूर रहा है? तेरा पैसा बाकी है तो यहाँ आकर लेकर जा, और अगर पैसा नहीं चाहिए तो चुपचाप अपने स्टॉप पे उतर जा। ए ड्राइवर, गाड़ी रोक, आंटी को आने दे। चलो चलो आंटी, जल्दी। एक लास्ट स्टॉप। ऊपर आ जाओ, नहीं गिर गई तो गाड़ी लेट करा दोगी। चलो ये लो। ए, आगे से कोई चढ़ा था क्या? तो यहाँ के टिकट लेकर जा। एक बार बोलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा। मेरा 3 रुपया बाकी दो ना। एक बार बोला ना, छुट्टा नहीं है। जब मेरे पास आएगा तो तुमको दे दूंगा, वरना कल ले लेना। एक दिन में देश लुट नहीं जाएगा। और कौन बाकी है रे, ले लो। रामपुर गली देना। अरे तू तो हमेशा इससे पहले वाली बस में जाती है। हाँ, आज लेट हो गया। मेरी बहन के साथ वो कहाँ गई? नहीं, आज उसकी छुट्टी है। अच्छा चलो उतरो फटाफट। अरे जल्दी करो, चलो। पैर में मेहंदी लगी है क्या? अगले स्टॉप पे उतरने वाले, उठ जाओ चलो। अरे मेरा स्टॉप आने वाला है, 3 रुपया दोनों मुझे। अरे कह दिया ना, छुट्टा नहीं है। छुट्टा लेकर आओ और अपना हिसाब कर लो। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे 1,00,000 रुपए दे दिए। तुमने कहा था उतरते टाइम दोगे, दो ना मुझे। अरे पर है नहीं तो कहाँ से दूं? अगर एक टिकट पर 3-4 रुपए लूटने लगे तब तो महीने भर की कमाई हो गई तुम्हारी। हाँ, हाँ। तुम सबसे छुट्टा पैसा लेकर मैं अपने लिए बंगला बनाऊंगा, फिर पार्टी दूंगा, वहाँ फुकट का खाना खाने आ जाना। देखो जान मेरा स्टॉप। अरे रुक क्यों गए? एक तो मेरा पैसा नहीं दिया, ऊपर से बहस कर रहा है। क्या पैसा पैसा कर रहा है? तूने एक बूढ़े आदमी का पैसा खाया, कभी सुखी नहीं रहेगा, बता दे रहा हूँ। मेरी बस में आकर मुझे ही धमका रहा है, ऊपर से बद्दुआ दे रहा है। कल से देखता हूँ कैसे इस बस में आता है तू। एक तो इनको लेकर जाओ, ऊपर से छुट्टा पैसा भी दो। कंडक्टर के खिलाफ शिकायत। बस में आकर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हो ना तुम। क्या छुट्टे पैसे के लिए कब से बहस कर रहे हो? तुम्हारे इन छुट्टे पैसों से हमारी बस कंपनी नहीं चलती। ऊपर से देखो गर्मी कितनी दिखा रहा है। जा, नहीं देता पैसे। क्या करता है तू देखता हूँ मैं भी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, दे। ए, दादागिरी मत दिखा। मैं तुमसे मेरे 3 रुपए लेकर ही जाऊंगा, उस पे लिख कर दे देता हूँ, देखो से ले लेना। जब तक पैसे नहीं देगा मैं नहीं उतरूंगा। चुपचाप उतर जा, अगले स्टॉप पर टीसी ने पकड़ लिया तो फाइन भरना पड़ेगा। हाँ ये तो सरासर लूट मची है, आप उतर जाइए। नहीं बेटा, जब तक ये मेरे पैसे नहीं देगा मैं नहीं उतरूंगा। फिक्र मत कीजिए, बस नीचे उतरिए। अरे देगा कि नहीं? बहस मत करो, चलो उतरो। मेरे मेरे पैसे तो दे। मैं आपको पैसे दूंगा। बेटा तुम मेरे पैसे क्यों दोगे? मैं तो इसी से अपने पैसे लूंगा। अपने पैसे मिल रहे ना, ये दे रहा है, कहा ना इसने, जाओ ले लो इससे। इसकी दादागिरी देखी? इस कंडक्टर के खिलाफ तो मैं कंप्लेन करके रहूंगा। चोर कहीं का। उतरिए उतरिए। हाँ हाँ आता हूँ। कैसे कैसे ठग है। धीरे से, आराम से। चुप नहीं बैठूंगा, इसको मैं सजा दिला कर ही रहूंगा। दिमाग खराब कर दिया। ए डेपो उस तरफ है, कंप्लेन कर दे जा। बुढ़ापे में काम धाम कुछ करते नहीं, फिजूल में सर खाने चले आते हैं। देखा? सुन। क्या? इनका पता नहीं तेरा बुढ़ापा बहुत खराब जाएगा। पहचाना मुझे साहब? सोमवार सुबह 10:30 बजे दिलीप जी ने आपको टिकट के लिए पूरे 10 रुपए दिए थे, बदले में आपको 3 रुपए लौटाने चाहिए थे जो आपने नहीं दिए। आपने कहा स्टॉप आने से पहले छुट्टा दे दूंगा, लेकिन फिर बाद में मुकर गए। छुट्टा नहीं था वरना दे देता। छुट्टे पैसे रखना आपके काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वैसे भी हर पैसेंजर के पास छुट्टे हों ये जरूरी नहीं है। जिन पैसों पे उनका हक था उन्हें ना देने के बजाय आपने उन्हें जलील किया, वो भी सबके सामने। हो सकता है काम पे आपको किसी ने तमीज ना सिखाई हो, पर घर वालों ने तो तमीज सिखाई ही होगी ना। सिखाया है साहब। तो एक सीनियर सिटीजन के साथ इतना बुरा बर्ताव करने की वजह? योर ऑनर, मैं डिपो अधिकारी राजरतन से भी सवाल करना चाहूंगा। डिपो अधिकारी राजरतन हाजिर हो। नमस्ते हुजूर। आपके जूनियर ने जो किया, हाँ, उसके जवाब में क्या कहेंगे? देखिए जो भी हुआ उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ। बिल्कुल गलत।
आपकी जवाबदारी बनती है। आप एडमिनिस्ट्रेटर है ना? हाँ हूँ। तो मतलब ऐसे लोगों को आप ही काम पर रखते हैं? हाँ। यानी ये लोग ड्यूटी पे जो कुछ करते हैं उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी। अगर आप सही लोगों को चुनेंगे और सही ट्रेनिंग देंगे तो ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। कंडक्टर बस का मालिक नहीं बल्कि पैसेंजर्स की मदद के लिए वहां होता है, और उल्टा वो अपनी धौंस जमाकर लोगों को डराते रहते हैं। जिस दिन पैसेंजर्स ने बस में चढ़ना छोड़ दिया ना, उस दिन आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल सही योर ऑनर। एक सीनियर सिटीजन को जो हार्ट का पेशेंट भी है, उसे 5 किलोमीटर चलने पर मजबूर किया और उनके छुट्टे पैसे तक नहीं लौटाए, बल्कि उनके बुढ़ापे का, उनकी कमजोरी का मजाक उड़ाया। आईपीसी सेक्शन 499 हार्मिंग रेपुटेशन, उसके मुताबिक शारीरिक और मानसिक तौर पे तकलीफ पहुंचाई, इसलिए इन्हें उस तकलीफ का मुआवजा भरना होगा। 20,000 प्लस वो 3 रुपए जो इन्होंने लौटाए नहीं थे, और एक कमीशन बिठाई जाए जो ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी नजर रखे और सख्त से सख्त सजा दे। इस केस में कंडक्टर और डिपो अधिकारी दोनों बराबर के गुनहगार साबित होने की वजह से मैं परिवहन अध्यक्ष को दंड के रूप में 20,000 और 3 रुपया देने का हुक्म देता हूँ, और आगे भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो इसलिए मैं डिपो अधिकारी राज रतन और पैसेंजर्स के साथ बदतमीजी से बात करने के लिए कंडक्टर गणेश को 6 महीने सस्पेंड करने का हुक्म देता हूँ। आपने कितने छुट्टे बाकी हैं? नहीं चाहिए बेटा, रहने दो। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, अभी तो मना कर रही है, बाद में शिकायत कर देगी, पता लगा मेरी नौकरी चली जाएगी। ले अपने पैसे, रख ले। अरे ये लोग इतने कैसे बदल गए? ये सब कमाल लॉयर सूर्या का है। मिस्टर शर्मा, बिजनेस कैसा चल रहा है? हमारा वाइन का बिजनेस आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है मिस्टर जी के। गुड, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। पुष्पवन केस के लिए हमारे वकील को मैंने सब समझा दिया है। और मजदूरों का वकील कौन है? वो शक्ति का साला सूर्या। सूर्या, रस्सी जल गई मगर ऐंठन नहीं गई, देख लेंगे। तू निकल। मैं आनंद ही बोल रहा हूँ, आनंद से हूँ एकदम। मारा बहुत पर हाथ ही टूटा, छेड़ा बाएं हाथ से लेकिन लोगों ने दायां हाथ पकड़ कर तोड़ दिया। चप्पल से भी मारा था मुझे, वही चप्पल पहन के घूम रहा हूँ। थोड़ी सी बड़ी है पर चल जाएगी। अगली बार पिटूंगा ना तो फोन करूंगा। अरे मेरा फ्री का चप्पल कहाँ चला गया, कहीं इसने तो नहीं खा लिया। हेलो। हाँ सर, मैं एडवोकेट नंद कुमार बोल रहा हूँ, आपको मुझसे कुछ काम था ना, मैं ही आपके घर आ जाता हूँ। फ्री होम सर्विस है, एड्रेस लिखवा दीजिए। भाई साहब, यहाँ आपको पेपर वेपर नहीं मिलेगा, अगर आपको एतराज ना हो तो आप मेरे हाथ पर लिख दीजिए, मेरे पास पेन है ना। वेरी नाइस, थैंक यू प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर मेरे पास छुट्टा नहीं है, जल्दी एड्रेस बोलिए। किंग्स पोकली, खुराफाती मार्केट, ओके, बंगलो के पीछे, वाह वाह क्या हैंडराइटिंग, झोपड़ा नंबर 5, आप नाले के सामने, मैं उसी पे रहता हूं। नो प्रॉब्लम, रोज रोज मैं कंप्यूटर में स्टोर कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। सर ये जरा कॉम्प्लिकेटेड एरिया लग रहा है, आप मुझे समझा देंगे कैसे आना है? घोड़बंदर रोड से सीधा आना है, फिर पुणे एक्सप्रेस पकड़ना है, और उसके बाद लेफ्ट मुड़ना है, और उसके बाद तुरंत राइट भी मुड़ जाना है, ठीक है ना? उसके बाद गली में मुझे मुड़ जाना है स्ट्रेट, चलेगा? मैं समझ गया। उसके बाद वहाँ पर एक 5-स्टार ढाबा भी आ रहा है, उस ढाबे से मुझे मुड़ जाना है अंदर की तरफ, उसके बाद सीढ़ियों से नीचे चले जाऊँ, और उसके बाद पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाऊँ। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद मुझे यू टर्न लेना है। ओ अच्छा, यहाँ तक तो समझ गया। उसके बाद मैं 2-4 मिनट में आप तक पहुँच ही जाऊंगा। क्या कहा? पैर जमा कर रखूं वरना फिसल जाऊंगा। नो प्रॉब्लम सर, मैं समझ गया, पहुँच जाऊंगा। थैंक यू यार। मेरा सब कुछ ट्विस्ट टर्न करके तो यू टर्न ले रहा? वही तो हॉस्पिटल है। अरे वही से तो आ रहा हूँ मैं। वहीं जाकर इलाज क्यों नहीं करवाता तू? अरे वहीं से तो इलाज करवा के आए हो, तभी तो पट्टी बंद गया। सॉरी हाँ, मेरे जज्बात खुदक कर बाहर निकल रहे थे। मैं एक A1 नंबर के वैद्य हकीम को जानता हूँ जो बिना छुए तेरा इलाज कर देंगे। अच्छा, सुई लगाते हैं क्या? उनके पास सुई तो है ही नहीं। चल सर, एक कंप्लेंट लिखवानी थी। साहब एक कंप्लेंट। उधर जा। अरे हरी हरी दिखेगी तभी तो हरियाली फैलेगी। ये लो साहब। हाँ वजन है। चलता हूँ साहब। नमस्कार। हाँ बको। मेरा नाम शिवराम है, 36 वर्ष राज स्ट्रीट में रहता हूँ। तो मैं क्या करूँ? मेरा पड़ोसी मिथुन मुझे बहुत परेशान करता है। अच्छा अच्छा, एक काम करो, 2 white and white paper और 2 blue and blue paper लेकर आओ। हैं, अरे थांबा जरा,
ए कानपुर, चाय पीना का? हाँ, मंगा लो। हाँ तो एक काम करो, दो चाय मलाई मार के और मेरे लिए, हाँ, सिगरेट का पैकेट और उसके लिए भी बड़ा पैकेट। आई लव बड़े साहब को तो भूल ही गया, उनके लिए दो बड़े बड़े नारियल जल्दी लेकर आओ। ए बनारसी, पान खाएगा क्या? हाँ चलेगा। हाँ तो उनके लिए 10 पान बनवा दो जल्दी करना और मेरे लिए 2 मीठा पान। है साहब मेरे लिए बीड़ी। हाँ इसके लिए एक बीड़ी का पैकेट ले आना। अरे बहुत सारे काम है, पहले जाके इतना तो लेकर आओ। अरे तुमको सुनता कम है क्या? जाओ ना बाबा जल्दी। आ नहीं तो ओ अंकल साहब आने वाले हैं, ऑटो का भाड़ा दे देना। किसका? जो इंस्पेक्टर अभी आया उसका। इंस्पेक्टर? वो तेरे घर पे झाड़ू कटका करता है क्या? साहब बोलने का साहब। आ नहीं तो भाई कितने पैसे हुए? 70 रुपए हुए। सब लेकर आ गए ना? जी लाया हूं। चाय ठंडी, बनाने वाला भी ठंडा। चलो छोड़ो। दो दो दो, मेरी बीड़ी दो। बीड़ी बीड़ी ले रे, पकड़। साहब कंप्लेंट। तुम्हारा नाम भूल गया मैं। शिवराम सर। हाँ शिवराम। हाँ हाँ समझ गया। ऑटो आ गया है, जाओ। ऑटो के लिए पैसे निकाल कर रखना। यह बुड्ढा ठंडी चाय लेकर आया है। सुनिए, आते वक्त चावल और गेहूं लाना भूलिएगा मत। सुनिए भाई साहब, अगर मेरी बात माने तो एक बार एडवोकेट सूर्या से मिल लीजिए। इंस्पेक्टर गोविंद हाजिर हो। शुक्रवार 14 तारीख को दोपहर में शिवराम आपके पास कंप्लेन लिखाने आए थे। आए थे? हाँ आए थे। और आपने कंप्लेन लिखी? अब वो कंप्लेन नहीं लिखी। कंप्लेन नहीं लिखी? बल्कि अपने लिए, अपने साथियों के लिए, बड़े साहब के लिए, यहाँ तक कि कैदी के लिए और पुलिस स्टेशन के लिए काफी सारी चीजें मंगाई जिसके पैसे आपने बिल्कुल नहीं दिए। बेचारे बुजुर्ग को अपनी उंगलियों पर नचा के खाने पीने की चीजें मंगाते रहे, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर के रिक्शे का भाड़ा भी भरवाया। क्या कोई नया नियम आया है जिसके तहत कंप्लेन करने वाले से राशन भरवाया जाता है? नहीं साहब। फिर इनसे ये सारी चीजें मंगाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो मैं क्या ऐसा बिल पास हुआ है कि सारे बड़े इंस्पेक्टर को साहब बोलना जरूरी है? नहीं नहीं साहब। या ऐसा कोई नया कानून बना है कि आपको ये बोलना ही पड़ेगा? नहीं 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 नहीं। तो आपने शिवराम से बदतमीजी से इंस्पेक्टर को साहब बोलने के लिए क्यों कहा? गलती से मिस्टेक हो गई साहब। मुझे साहब बोलने की जरूरत नहीं। लगता है साहब तुम्हारा तकिया कलाम बन गया है, या फिर तुम्हारा चापलूसी करने का बड़ा हथियार है जिसके जरिए तुम अपना उल्लू सीधा करते हो और नागरिकों से भी ये बुलवाते हो अपना काम निकलवाने के लिए। इसमें सिर्फ ये इंस्पेक्टर नहीं बल्कि डेप्यूटी कमिश्नर भी शामिल है सर। तो योर ऑनर, मैं डेप्यूटी कमिश्नर को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। डेप्यूटी कमिश्नर मूर्ति हाजिर हो। आप ही डेप्यूटी कमिश्नर मूर्ति हैं? जी हाँ। पार्ला ईस्ट का पुलिस स्टेशन आपके अंडर आता है? जी हाँ मेरे अंडर में। क्या आपके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने के लिए सिगरेट और चाय की घूस देनी पड़ती है? इस चलन की आपको खबर है या फिर जान के भी आप अनजान बन रहे हैं? छोटी मोटी चीजों को घूस नहीं कहते। अच्छा, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं? आपको लगता है छोटी मोटी चीजें बाजार में फ्री में बटती हैं? सिर्फ पैसे मांगना ही घूस नहीं होता, चीजें मांगना भी रिश्वतखोरी है। पुलिस स्टेशन ही नहीं, चलते फिरते आप लोग सड़कों से भी पैसे वसूलते रहते हैं और उन पैसों को आप लोग अपना हक समझते हैं। भिखारी और आप में सिर्फ एक ही फर्क है, आपके पास वर्दी है और उसके पास कटोरा। अच्छे रक्षक हो। योर ऑनर, ये बुजुर्ग अपने पड़ोसियों से परेशान होकर पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखाने गए, पर वहां जाके इनसे और परेशान हो गए, इसलिए अदालत आना पड़ा। उस दिन शिवराम जी के पास कुछ पैसे थे जिनसे वो राशन खरीदने वाले थे, पर पुलिस स्टेशन पहुंचने पर इंस्पेक्टर ने उनके सारे पैसे खर्च करवा दिए। तो एक गरीब की रोजी रोटी छीनने की सजा क्या मिलनी चाहिए ये मैं कोर्ट पर छोड़ता हूं। अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करने के लिए मैं इंस्पेक्टर पे IPC 166A के तहत
रिश्वत खोरी के लिए करप्शन का चार्ज लगाता हूँ योर ऑनर, और इस सब के बारे में जानते हुए भी अनजान बनने के लिए मैं डिप्टी कमिश्नर पे जनता की रक्षा ना करने के जुर्म में नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी के तहत मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। साहब मांडवली कर लो, परफ्यूम रख लो। चल निकल यहाँ से, मेरी नौकरी खाएगा क्या गधे। अरे साहब इम्पोर्टेंट माल है। अबे चल भाग ना यहाँ से। हालात को मद्देनजर रखते हुए बुजुर्ग के साथ बदसलूकी के जुर्म में इंस्पेक्टर देवराज और इंस्पेक्टर गोविंद और डिप्टी कमिश्नर मूर्ति को हुक्म देता हूँ कि वो अपनी 3 महीने की पगार को जुर्माने के तौर पर भरेंगे, और इसके अलावा इंस्पेक्टर गोविंद और इंस्पेक्टर देवराज दोनों को कंट्रोल में न रखने के जुर्म में डिप्टी कमिश्नर मूर्ति को 4 महीने के लिए यह अदालत सस्पेंड करने का हुक्म देती है, और अब यह अदालत यहीं पर बर्खास्त होती है। आपको 4 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नो कमेंट्स। आप रिश्वत लेके काम करते हैं? नो कमेंट्स। एडवोकेट सूर्य ने तो आपको 4 महीने के लिए सस्पेंड करा दिया, 4 महीने क्या करोगे? ए, शट अप। सॉरी सर, भूल से टकरा गया। ये टकराना तुझे भारी पड़ेगा, और इस गलती का अंजाम तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा।